देसाई नगमा रोरानी और वॉचिंग TGCC लीगल। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ top 10 कॉलेजेस के। ये जो मैं रैंकिंग दूंगी ये मैं अकॉर्डिंग टू NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंडर बताऊंगी। एंड थोड़ी लीगल नॉलेज के लिए बता दूं कि इसका डेवलपमेंट 29 सितंबर 2015 में हुआ था। यहाँ मैं बात करूँगी रैंकिंग के साथ साथ अपने पर्सनल स्कोर दूंगी जो अकॉर्डिंग टू बाकी चीज़ें जो मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकती लाइक जिम एंड स्पोर्ट्स लाइब्रेरी फीस स्ट्रक्चर इनके अकॉर्डिंग मैं अपनी पर्सनल रैंकिंग भी दूंगी जज करके। एंड यहाँ से आप जो जो कोर्स कर सकते हैं वो बताऊंगी, उनकी फ़ीस बताऊंगी, फ़ीस मैं आपको पूरे कोर्स की बताऊंगी। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ईयरली कितनी होगी और सेमेस्टर वाइज कितनी होगी। एंड सैलरी स्ट्रक्चर बता दूंगी एंड एलिजिबिलिटी बता दूंगी कैसे आप भी इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रैंकिंग पे है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी कि NLSIU बैंगलोर। ये फर्स्ट रैंकिंग पे है, इसको मैं पर्सनल स्कोरिंग दूंगी 4.6। एंड यहाँ से आप BLLB ऑनर्स LLM इन बिजनेस लॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से BLLB ऑनर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 14.44 लाख रुपीज़। एंड अगर आप LLM इन बिजनेस लॉ करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 12.19। और अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो हाईएस्ट सैलरी पैकेज हो सकता है 18 लाख रुपीज़ का एंड लोएस्ट टू लोएस्ट सैलरी पैकेज भी आपका रहेगा 12 लाख का। और अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसमें आपको एक CLAT का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CLAT का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप 12th के बाद देते हैं। सेकेंड रैंकिंग पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि NLU दिल्ली एंड मैं इसको पर्सनल स्कोरिंग दूंगी 4.2। यहां से आप BA LLB ऑनर्स LLM IICA एंड मास्टर्स ऑफ लॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से BLLB ऑनर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 4.28 लाख रुपीज़। एंड अगर आप LLM एंड LLM IICA करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 1.13 लाख रुपीज़। एंड अगर आप मास्टर्स ऑफ लॉ करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 1.3। और अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो आपका मिनिमम सैलरी पैकेज भी 15 लाख रुपीज़ का रहेगा। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ इनका एक अपना एग्ज़ाम होता है ILET का, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। एंड थर्ड रैंकिंग पे है NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ NLU हैदराबाद, इसको मैं पर्सनल स्कोरिंग दूंगी 4.7। और यहाँ से आप BA LLB ऑनर्स LLM इन कमर्शियल लॉ LLM इन क्रिमिनल लॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से BA LLB ऑनर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 8.55 लाख रुपीज़। एंड LLM इन कॉरपोरेट लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 1.08 लाख। और अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो यहाँ पे आपका सैलरी पैकेज मिनिमम टू मिनिमम भी 15 लाख रुपीस होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन CLAT होगा। फोर्थ रैंकिंग पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU जोधपुर एंड इसको मैं पर्सनल स्कोरिंग दूंगी 4.3। यहाँ से आप BLLB ऑनर्स BBA LLB ऑनर्स LLM इन कॉरपोरेट लॉ LLM इन IPR कर सकते हैं। अगर आप यहां से BLLB ऑनर्स या BBA LLB ऑनर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 12.29 लाख रुपीस। एंड अगर आप LLM इन कॉरपोरेट लो LLM इन IPR करते हैं तो फ़ीस रहेगी 1.99 लाख रुपीस। यहां की जो प्लेसमेंट होगी वो सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर में होती है, जैसे कि आप समझ रहे हैं कॉरपोरेट लो और IPR लो, तो इससे चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो रही होंगी। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ चुके होंगे कि NLU का हमेशा ही CLAT होता है, तो यहां भी CLAT है। फिफ्थ रैंकिंग पे है द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंस यानी कि NUJS एंड इसको मैं पर्सनल स्कोरिंग दूंगी 4.0। एंड यहाँ पे आप BLLB कर सकते हैं, सिर्फ BA LLB होती हैं यहाँ पे, नॉर्मल LLB नहीं होता, यानी कि 3 इयर्स का कोर्स नहीं है, 5 इयर्स का कोर्स है। एंड यहाँ अगर आप BA LLB करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 1.96 लाख रुपीस। और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो सबसे अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे है, पर इन्वायरमेंट अच्छा उतना नहीं मिलेगा। तो हाईएस्ट सैलरी है यहाँ पे 6 लाख रुपीस। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, CLAT। एंड सिक्स्थ रैंकिंग पे है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जिसको GNLU गांधीनगर के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्सनली मेरा फेवरेट कॉलेज है। यहाँ से आप BCom LLB ऑनर्स BBA LLB ऑनर्स या BLLB ऑनर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 8.92 लाख रुपीज़। एंड अगर आप यहाँ से LLM बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉ करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 1.53 लाख रुपीज़। और अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपका सैलरी पैकेज रहेगा 15 लाख रुपीज़। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम, अगेन CLAT क्रैक करना पड़ेगा। सेवन्थ रैंकिंग पे है सिम्बोसिस लॉ स्कूल SLS पुणे, इसको मैं पर्सनली जो स्कोर दूंगी वो होगा 3.8। यहाँ से आप BBA LLB ऑनर्स
BA LLB ऑनर्स और LLB कर सकते हैं। यहाँ से आप BBA LLB ऑनर्स या BA LLB ऑनर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 18.18 लाख रुपीस, एंड यहाँ से आप 3 इयर्स कोर्स यानी कि LLB करते हैं तो 7.3 लाख रुपीस। यहाँ पे मीडियम सैलरी भी जो होगी वो होगी 11.7 लाख रुपीस, एंड यहाँ इनका अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है स्लैट। 8th रैंकिंग पे है फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिया इस्लामिया दिल्ली, इसको मैं पर्सनल स्कोर दूंगी 4.0। यहाँ से आप BA LLB ऑनर्स, LLM इन क्रिमिनल लॉ, LLM इन कॉर्पोरेट लॉ कर सकते हैं। अगर आप BA LLB ऑनर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 2.02 लाख रुपीज़, एंड LLM इन क्रिमिनल लॉ या LLM इन कॉर्पोरेट लॉ करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 1.25 लाख रुपीज़। सैलरी पैकेज 4.4 लाख रुपीज़ का होगा मिनिमम, एंड इनका भी एक अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसका नाम है जामिया मिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो हर साल कंडक्ट होता है। 9th रैंकिंग पे है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ यानी कि NLU पटियाला, जो कि चंडीगढ़ में है, एंड इसको मैं पर्सनल स्कोरिंग दूंगी 3.8। यहाँ से आप BA LLB ऑनर्स, LLM इन क्रिमिनल लॉ, LLM इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, LLM इन इंटरनेशनल लॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से BA LLB ऑनर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 1.81 लाख रुपीज़, एंड अगर आप यहाँ से LLM इन क्रिमिनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 1.3 लाख रुपीज़। प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट रहेगी 6.5 लाख रुपीज़ LLB स्टूडेंट, यहाँ का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्लैट का। 10th नंबर पे है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU लखनऊ, एंड यहाँ पे 10th नंबर में मैं एक और यूनिवर्सिटी रखूँगी जो है दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। पहले मैं बात करती हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि NLU लखनऊ की। यहाँ से आप BA LLB ऑनर्स, मास्टर्स ऑफ लॉ LLM कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप BA LLB ऑनर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 5.51 लाख रुपीज़, एंड मास्टर्स ऑफ लॉ करते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 79,000 रुपीज़। सैलरी पैकेज की बात करूँ तो नियर अबाउट 12 लाख रुपीज़ रहेगा, एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लैट है। और अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ से आप सिर्फ LLB कर सकते हैं, BA LLB या BBA LLB या BCom LLB नहीं कर सकते। यहाँ पर ईयरली जो फ़ीस होगी वो होगी 10,500 रुपीज़, एंड अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो सैलरी पैकेज रहेगा 7 लाख रुपीज़ तक, एंड यहाँ का एक अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है DU LLB एंट्रेंस के नाम से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपका लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, तो इसको ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।